Hello and welcome everyone. This is Sayed Mohammad Nasser from Duty Society Coaching and Guidance Center. हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि AMU की काउंसलिंग और एडमिशन की डेट्स आपके लाइव हो चुकी हैं, जो कि 10th और 12th ऑफ सितंबर 2022 से स्टार्टअप होंगी, जिसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, एडमिशन के लिए और आपको जो है किन किन डेट्स में क्या क्या चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, आप अगर इधर ध्यान से देखेंगे तो 10 सितंबर 2022 एंड 12 सितंबर 2022 विल बी द एंड डेट रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे AMU वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे और अपनी रेस्पेक्टिव च्वाइस आप शो करेंगे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अंदर आप एनरोल होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दो डेट्स दी गई है, 10th ऑफ सितंबर विल बी द स्टार्टिंग एंड 12th ऑफ सितंबर विल बी द एंडिंग डेट फॉर दैट। After that, 13 to 16 September 2022 में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद 17 September को आपको रीसबमिशन का मौका दिया जाएगा कि अगर कोई सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स आपके रह गए हैं जो रिक्वायर्ड थे वो आप यहाँ पर रीसबमिट कर सकते हैं। उन रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा 18th of September को। 19 से 21 सितंबर तक आपके डिस्प्ले लिस्ट को तैयार किया जाएगा और पहली एडमिशन की लिस्ट आपके जिसे फॉर्म लिस्ट 1 कहा जा रहा है वो डिस्प्ले कराई जाएगी। उसके बाद 22 से 24 सितंबर में मौका दिया जाएगा कि आप पेमेंट ऑफ फीस आप अपना सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप डिले हो गए या लेट हो गए तो आप ग्रेस पीरियड को यूज कर सकते हैं जो कि 25 सितंबर तक का रहेगा और वहां पर आप फाइन के साथ फीस को अपने सबमिट कर सकते हैं। इसी पैटर्न के ऊपर फॉर्म लिस्ट सेकेंड आपके रिलीज होगी October 6th to 7th के अंदर और फॉर्म लिस्ट थर्ड रिलीज होगी 19th एंड 20th सितंबर के अंदर। बाकी प्रोसेस आपके सिमिलर रहेगा इसके अंदर। तो क्या है कि इस ड्यूरेशन के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्टली अपलोड करें, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको आप बनवा लें, उनको प्रिपेयर कर लें, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर लें ताकि आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स को आप फिल कर सकें, जिसकी फिलिंग डेट आपके 10th से 12th सितंबर है 2022। उसके बाद AMU के इंटरनल प्रोसीजर्स चलेंगे और जो डेट आपको ध्यान रखनी है वो है उसके बाद फॉर्म लिस्ट 1 की, जो कि September 19th से 21st तक रहेगी। जिस लिस्ट को देखने के बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको आपके मौका दिया जाएगा फीस सबमिशन का, दैट विल बी फ्रॉम 22nd to 24th September 2022। आपको ये डेट्स खास तौर पर ख्याल रखना है ताकि आप कोई डेट मिस ना करें, इसीलिए मैंने डिटेल में सबके आगे लिख रखा है कि किस डेट में क्या क्या चीजें होंगी। सिमिलरली फॉर्म लिस्ट 1 की जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे तो जो सीट्स रह जाएंगी उनके बेसिस पे फॉर्म लिस्ट 2 निकलेगी। आप एडमिशन प्रोसीजर सिमिलरली आप फॉलो करेंगे, उसमें भी जो लिस्ट सीट्स रह जाएंगी उनके लिए फॉर्म लिस्ट 3 आपके निकाली जाएगी ताकि बच्चे अपने एडमिशन को कंप्लीट करा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं जो आप अपलोड करेंगे, उसमें है आपकी मार्कशीट जिसमें आप 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज को आप अपलोड करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिलिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ योर फॉर्म। उसके बाद ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो आप अपने स्कूल से अवेल करेंगे, जिस भी स्कूल के आप स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन अगर कोई AMU का इंटरनल स्टूडेंट है तो उसको इस सर्टिफिकेट को लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि AMU ने अपनी वेबसाइट के अंदर शो कराया है। उसके अलावा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको लगाना है अपनी डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए, डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन आपका होगा थ्रू योर हाई स्कूल मार्कशीट। 5 फोटोग्राफ्स आपके होंगे 2.5x3 सेंटीमीटर के साइज के, जो कि कलर फोटोज होंगे विद व्हाइट बैकग्राउंड। ये ध्यान रखना है आपको कि बैकग्राउंड जो होगा फोटो का वो व्हाइट होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए, फोटो लेकिन कलर्ड होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप्स होंगे आपके, 22 रुपीज ईच स्टैंप लगे हुए, पोस्टेज स्टैंप आपके, जो कि रेस्पेक्टिव प्रोवोस्ट ऑफिस के हॉल के अंदर आपके सबमिट कराए जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 प्लेन पेपर्स पे आप अंडरटेकिंग देंगे, एक प्लेन पेपर पे अंडरटेकिंग सिग्नेचर आपका स्टूडेंट का होगा और एक पे आपके पेरेंट का या वार्ड का होगा, जो कि ये बताएगा कि यू आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन एनी ऑफ द इल्लिसिट एक्टिविटीज, रैगिंग वगैरह के लिए ये क्लॉज आपके यूटिलाइज किया जाता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है आपके, ये स्पेसिफिक डेट्स है आपके जिन डेट्स के अंदर यूटिलिटी करी जाएगी। तो मेरी तरफ से बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन to all the students who select hue hain and I hope that you all get your desired branches and the dream can come true whichever you have been falling for।
Apart from that, make sure that within the time limits you are able to fill the applications and you are able to look into the website regularly to identify about the list display so that you should not delay in taking up your admissions at the Plus 2 AMU. So here at this center from Judy Society Coaching and Guidance Center, we try to give you the best of the information over here for your admissions. So best of luck to all of you. Thank you very much. See you again in another video. This is Sayed Nasser signing off. Thank you very much.